हेलो गाइस, इंटरनेट की दुनिया में आपका हमारी चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, गूगल नाम सुन के हमारे दिमाग में एक ही चीज़ सामने आती है कि एक ऐसी चीज़ जहां हमें सारी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, एक बात आपको बता दूं कि गूगल पर सबसे ज़्यादा लोग सर्च करते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि यहाँ पे हमारे काम की जो भी चीज़ हम सर्च कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों, बदलते वक्त के साथ इंटरनेट आज हमारी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन गया है। हम प्रतिदिन अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए इंटरनेट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप सर्च करते वक्त थोड़ा सोचते हैं कि हम क्या सर्च करने वाले हैं और हम क्या सर्च करते हैं? अगर नहीं तो आज से सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जिसके बाद आप कुछ भी गूगल पे सर्च करने से पहले 10 बार सोचोगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। तो दोस्तों, ये चीज़ें क्या है ये जानने के लिए बने रहे इस वीडियो में लास्ट तक। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ही वीडियोस लाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, दिस इज अनिल लहरी एंड यू वॉचिंग थावनेस बाबा। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो कि हमें गूगल पे सर्च नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इसीलिए नहीं कि वो चीज़ें खराब है, बल्कि इसीलिए कि जो भी चीज़ आप सर्च करते हो उस पे आपको कभी ना कभी या फिर किसी भी वक्त आपको जेल हो सकती है। दोस्तों, ऐसी 5 चीज़ें के बारे में बताऊंगा जो कि आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको कभी जेल हो सकती है। दोस्तों, उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है साहित्य या वीडियो। दोस्तों, अगर आप गूगल पर किसी बच्चे के संबंधित साहित्य या फिर वीडियो सर्च करते हो तो आप मुसीबत में फंस सकते हो, यहाँ तक कि आपको जेल की हवा भी खानी पड़ती है, क्योंकि ऐसा करना भारतीय दंड संहिता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के बिल्कुल ही खिलाफ है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप कोई गलत साहित्य या फिर गलत वीडियो को इंटरनेट पे सर्च करते हैं या फिर उनको शेयर करते हैं तो भी आप पर मुकदमा हो सकता है। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो वो ये है कि बम बनाने की तकनीक। दोस्तों, अगर आप बम बनाने की तकनीक को गूगल पे या फिर इंटरनेट पे सर्च करते हो तो आपको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, यानी कि आपको मुसीबत में ला सकता है और आपको जेल की हवा भी खानी पड़ती है इसमें। दोस्तों, तीसरी बात करें तो वो ये है कि पहचान। दोस्तों, गूगल पर सर्च करते समय कभी भी भूल से भी अपनी पहचान जानने के लिए गूगल पर कभी भी सर्च ना करें। इससे आपको जेल तो नहीं होगी, लेकिन आप कभी भी मुसीबत में पड़ सकते हो। गूगल के पास आपकी सर्च हिस्ट्री का पूरा डेटाबेस स्टोर होता है, और दोस्तों, इसको आप बार बार सर्च करने से ये डेटा कभी भी लीक होने का खतरा भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों, हैकर्स उसी इंतजार में रहते हैं कि कब उसको आसानी से कोई चीज़ हैक करने को मिल जाए। दोस्तों, चौथी चीज़ है ईमेल। पर्सनल ईमेल लॉगिन को गूगल पे सर्च करने से परहेज करें। ऐसा न करने पर आपका अकाउंट का आईडी और पासवर्ड कभी भी लीक हो सकता है। दोस्तों, एक बात आपको बता दूं कि एक स्टडी के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा हैकिंग ईमेल्स के ऊपर ही हुई है, क्योंकि दोस्तों, इसकी कई शिकायतें साइबर सेल ने भी दर्ज की हुई है। अब दोस्तों, आखिरी बात करते हैं जो कि है विज्ञापन। दोस्तों, गूगल पर कभी भी असुरक्षा से संबंधित कोई भी चीज़ें आपको सर्च नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, आप जैसे ही आपको जो चाहिए होता है वो सर्च करते हो तो उसके रिलेटेड जो भी विज्ञापन है वो आपको उनमें मिल जाएंगे, जिससे आपको पता चल सकता है कि कोई आपको इंटरनेट पे फॉलो कर रहे हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि कोई हमें फॉलो ना करे या फिर असुरक्षा से जुड़े कोई भी विज्ञापन आपको फॉलो ना करे तो आप ये सर्च करना बंद कर दीजिएगा। दोस्तों, इसके अलावा आप कोई भी ऐसी गलत चीज़ें सर्च ना करें, क्योंकि दोस्तों, साइबर सेल की उन लोगों पे नज़र जल्दी जाती है जो कि कुछ गलत चीज़ें सर्च करने में लगे हुए होते हैं। इसीलिए दोस्तों, कुछ भी इंटरनेट पे सर्च करने से पहले आप 10 बार सोच ले कि आप सर्च क्या कर रहे हैं। आमतौर पर ऐसे सर्च कीवर्ड को गूगल जैसे सर्च एंजिन सेंसिटिव कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि इन गलत चीज़ों को सर्च करने की जो भी जानकारी होती है उस व्यक्ति की सूचना खुफिया एजेंसी को दी जाती है, जिसके बाद आप कुछ भी सर्च करते हो तो उसके लिए आपको ऊपर कार्यवाही शुरू हो सकती है। तो दोस्तों, ये 5 चीज़ें थी जो कि आप इंटरनेट पे सर्च करने से पहले 10 बार सोचें और उसके बाद ही आप सर्च करें। दोस्तों, इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं जो कि आपको सर्च नहीं करनी चाहिए, वो तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्या क्या चीज़ है। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ नया जानने मिला हो, कुछ नया सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आगे भी कुछ नया जानना है, आगे भी कुछ नया सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों, इसके रिलेटेड आपको मुझे कुछ भी सवाल करने हैं तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।